भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहें कई सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधारा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधारा गांव की कहानी आज से लगभग 200 साल पहले, जब कुलधारा खंडर नहीं था बल्कि आसपास 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे, लेकिन फिर जैसे कुलधारा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था दीवान सालम सिंह, अय्यास दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर उस गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। इसके लिए ब्राह्मण परिवारों पर दबाव बनाया गया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। ये लड़ाई सम्मान की लड़ाई बन गई और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव के चौपाल पर ब्राह्मणों ने बैठक की और फैसला लिया कि गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हुए और यह फैसला लिया कि लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। आज भी यह सदियों पुराना गांव एक खौफ पैदा कर रहा है कि शाम होते ही यहां पर आत्माओं का वास नजर आता है।